हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रेणुका होम किचन में। आज की हमारी रेसिपी है मिर्च वानी। ये बहुत ही जल्दी बनने वाली ऐसी रेसिपी है जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। बिना किसी सब्जी के भी आप खाने का पूरा आनंद ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये रेसिपी। इसे बनाने के लिए हमने 250 ग्राम के करीब हरी मिर्च ली है। इसे धोकर हमने साफ़ कर लिया है और इसे एक साफ़ कपड़े से पोंछकर इसका सारा पानी सुखा दिया है। अब कैंची की मदद से इसे बीच से सीरा लगाकर कट कर लेंगे। गैस पे हम एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें जीरा, सौंफ और राई डालेंगे। इसकी जगह आप पीला सरसों भी डाल सकते हैं। इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे। इसके बाद हम इसे ठंडा करेंगे और एक जार में डालकर इसे ग्राइंड कर लेंगे। इसे थोड़ा मोटा ही ग्राइंड करेंगे। अब हम सेम कढ़ाई में थोड़ा मस्टर्ड ऑयल डालेंगे और जो हमने मिर्च काट कर रखी थी उसे डालकर फ्राई करेंगे। मिर्च हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसे ठंडा करने के बाद हम इसमें नमक डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे और जो हमने मसाला तैयार किया था वो इसमें ऐड करेंगे। इन सभी को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे नींबू का रस। 2-3 नींबू का रस हमने पहले से निकाल कर रख लिया था, वो इसमें ऐड कर देंगे। हमारी मिर्च वानी बनकर तैयार है। आप इसे पूड़ी, पराठा या दाल चावल के साथ सर्व करें, ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर बताएं। धन्यवाद।